हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू रितु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5 की इंग्लिश के टेक्स्ट बुक के नंबर 3 फ्लाइंग टुगेदर का थर्ड पार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में बच्चों मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई थी और उसमें मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स कराए थे और ट्रू फॉल्स कराए थे। इस क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। देखो, यहां से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर्स से। सेकेंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द गीज लिव, जंगली बत्तख कहाँ रहते थे? बताओ बच्चों, कहाँ रहते थे? एक पेड़ पर रहते थे, है ना? जंगल में बहुत अंदर तक, एक घने पत्तों वाले लंबे पेड़ पर रहते थे। तो इसी को हम लिखेंगे। देखो, लेसन 3 फ्लाइंग टुगेदर क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन तो हमने रीड कर लिया है, आंसर लिखेंगे। द गीज लिव्ड इन अ टॉल लीफी ट्री डीप इन अ फॉरेस्ट। बत्तख, जो जंगली बत्तख थे, वो जंगल में बहुत अंदर तक, बहुत भीतर, एक लंबे पत्तेदार पेड़ पर रहते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट एडवाइस डिड द ओल्ड बर्ड गिव टू अदर बर्ड्स। बूढ़े, ओल्ड मतलब बूढ़े, ठीक है, बूढ़े पक्षी ने अन्य पक्षियों को क्या सलाह दी? क्या सलाह दी थी, याद है ना आपको? उन्होंने कहा था ना कि ये यंग क्रीपर है, उसको डिस्ट्रॉय कर दो, जो छोटी बेल है उसको नष्ट कर दो। तो इसी को हम लिखेंगे। देखो बेटा, कैसे लिखेंगे, यहां पर, यहां से शुरू करेंगे द ओल्ड बर्ड, ठीक है। द ओल्ड बर्ड की जगह हम लिख सकते हैं ही, इसको शॉर्ट करने के लिए। नाउन है, इस नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं ही, तो हम लिख देंगे ही। अब देखो, यहां पर मैंने लिखा एडवाइज्ड, यहां पर तो सी है, और यहां पर एस क्यों लिखा है मैंने? ये मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी क्या? ऐसा क्या, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी? नहीं बच्चों, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है, जो यहां लिखा है, यहां सही लिखा है, यहां लिखा है, यह भी सही लिखा है। देखो बच्चों, जब हम एज अ नाउन यूज करेंगे इस वर्ड को, एक संज्ञा की तरह हम यूज करेंगे, तो सी आता है। बट अगर हम एज अ वर्ब यूज करेंगे, क्रिया की तरह यूज करेंगे, तो एस आएगा। यहां पर पूछा गया है कि क्या सलाह दी थी, तो सलाह मतलब, सलाह एक नाउन है, संज्ञा है यहां पर, और यहां कहा गया है कि सलाह दी थी। यहां क्या है, सलाह दी थी, ये क्या है, क्रिया है, है ना, वर्ब है, तो यहां पर हमने एस यूज किया। ही एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द यंग क्रीपर, उसने अन्य पक्षियों को छोटी बेल को नष्ट करने की सलाह दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। बूढ़े पक्षी ने अन्य पक्षियों को बेल को नष्ट करने की सलाह क्यों दी, क्यों दी थी बच्चों, बताओ, याद है ना स्टोरी आपको? क्योंकि उसने कहा था कि जब यह बेल बड़ी होगी तो कोई भी शिकारी आराम से इस बेल के सहारे पेड़ पर ऊपर तक चढ़ सकता है, है ना? तो इसी को हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड द अदर बर्ड्स, देखो यहीं से, क्वेश्चन से ही ले लेंगे, द ओल्ड बर्ड एडवाइज, देखो एडवाइज है ना यहाँ पर, यहाँ हमने लिखा एडवाइज्ड, क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, डिड लगा है, डू डिड डन होता है ना, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट के लिए यूज होती है, पास्ट टेंस के लिए, तो डिड है, इसीलिए। अब यहाँ एडवाइज को भी तो हमें पास्ट टेंस में बनाना होगा, यहाँ प्रेजेंट टेंस में हो जाएगी, अगर हम इसको एडवाइज ही लिख देंगे तो प्रेजेंट टेंस में हो जाएगी, ठीक है। अब सेकेंड फॉर्म ईडी लग गया है एडवाइज के साथ, है ना, एडवाइज डी लग गया है, तो क्या हो गया ये, द ओल्ड बर्ड एडवाइज मतलब बूढ़े पक्षी ने सलाह दी,
ठीक है, द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बेल को नष्ट करने की, बिकॉज क्योंकि व्हेन इट वुड बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग एनीवन कुड क्लाइंब अप द ट्री विद इट्स हेल्प, क्योंकि जब यह मोटी और मजबूत हो जाएगी तब कोई भी एनीवन कोई इसकी सहायता से पेड़ पर ऊपर चढ़ सकता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए बूढ़े पक्षी ने सलाह दी थी उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने की। अब अगला क्वेश्चन रीड करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द हंटर डू टू ट्रैप द गीज, जंगली बत्तखों को ट्रैप करने के लिए, मतलब पकड़ने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए, जंगली बत्तखों को पकड़ने के लिए शिकारी ने क्या किया, क्या किया था बोलो, अपना जाल बिछा दिया था पेड़ के ऊपर। तो देखो लिखेंगे हम आंसर, द हंटर गॉट टू द टॉप ऑफ द ट्री, शिकारी पेड़ पर ऊपर तक पहुंचा, एंड ऊपर तक गया और क्या किया उसने, एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, वहां अपना जाल फैला दिया, उस जाल में वो फंस गए थे और, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प, बत्तख सहायता सहायता क्यों चिल्लाए, क्यों चिल्लाए थे पता है ना, क्योंकि वो हंटर के नेट में फंस गए थे, शिकारी के जाल में फंस गए थे। तो देखो बच्चों लिखेंगे, यहीं से शुरू कर देंगे, द गीज, अब यहाँ पर क्राई है तो क्या आएगा, क्राइड आएगा, क्यों, डिड लगा है, पास्ट टेंस में है क्वेश्चन, तो इसको भी हमें पास्ट टेंस में ही लिखना है आंसर को भी। तो क्राई का क्या हो जाएगा, क्राइड, वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लगाएंगे, क्राई की सेकंड फॉर्म है क्राइड, हेल्प हेल्प, यहाँ तक एज इट इज। अब वाई है, वाई में जब क्वेश्चन होता है तो बिकॉज से आंसर करते हैं, है ना, तो लिखेंगे द गीज क्राइड हेल्प हेल्प बिकॉज दे वर कॉट इन द हंटर्स नेट, वे शिकारी के जाल में फंस गए थे, बिकॉज मतलब क्योंकि, क्योंकि वे शिकारी के जाल में फंस गए थे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी डेड, जंगली बत्तखों ने मृत होने का दिखावा क्यों किया, क्यों किया था, उससे बचने के लिए, शिकारी से बचने के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, ताकि वो उन्हें मृत समझे और उन्हें नीचे फेंके तो वो उड़ जाएं। तो यही लिखेंगे, देखो द गीज प्रिटेंडेड, देखो बेटा यहीं से शुरू किया है, द गीज प्रिटेंडेड आएगा क्योंकि डिड लगा है, पास्ट टेंस में है तो इसे भी हमें पास्ट टेंस में करना है, फर्स्ट फॉर्म को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में चेंज कर दिया, प्रिटेंड का हो जाएगा प्रिटेंडेड टू बी डेड। अब वाई में पूछा हुआ है ना क्वेश्चन, यहां लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि द वाइज ओल्ड बर्ड हैड आस्क्ड देम टू डू सो फॉर देयर लिबर्टी, जंगली बत्तखों ने मृत होने का दिखावा किया क्योंकि बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने उन्हें यह करने को कहा था, टू डू सो फॉर देयर लिबर्टी, उनकी आज़ादी के लिए, उनकी आज़ादी के लिए यह करने के लिए कहा था। तो बच्चों इक्वेशन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। देखो हमने पेज नंबर 22 पर यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन आंसर्स आज हमने कर लिए हैं, इन्हें अच्छे से समझकर कर लेना। और बच्चों इस चैप्टर के सभी पार्ट्स देखने के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद ऋतु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं।
और हाँ बच्चों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।